हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम पर बेस्ड न्यूमेरिकल। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होती है, बैंकर्स एल्गोरिदम उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको आज हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। समझिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ ए सिस्टम। अब इसको समझिए। देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, 5 प्रोसेसेस हैं, P0, P1, P2, P3, P4। मीन्स P0 टू P4 5 प्रोसेसेस हैं। उसके बाद एलोकेशन दिया हुआ है, मैक्स नीड दी हुई है, अवेलेबल दिया हुआ है। अब देखिए, एलोकेशन दिया हुआ है मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, 4 रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ए बी सी डी। टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज है 4 और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेज है हमारे पास 5। ठीक, एलोकेशन में क्या दिया हुआ है, देखिए पी नोट जो रिसोर्स, जो पी नोट प्रोसेस है उसने एलोकेट किया हुआ है, ए जो रिसोर्स है उसका 0 इंस्टेंस, बी का 0 इंस्टेंस, सी का 1 इंस्टेंस, डी का 2 इंस्टेंस। ठीक, पी वन ने जो एलोकेट किया हुआ है, पी वन ने ए का 1, बी का 0 इंस्टेंस, सी का 0 इंस्टेंस, डी का 0 इंस्टेंस। क्लियर। पी टू ने क्या एलोकेट किया हुआ है, पी टू ने ए के 1 इंस्टेंस, बी के 3 इंस्टेंसेज, सी 5 इंस्टेंसेज, डी 4 इंस्टेंसेज। क्लियर। नेक्स्ट, पी थ्री ने कैसे एलोकेट किया हुआ है, 0 इंस्टेंसेज ऑफ ए, 6 इंस्टेंसेज ऑफ बी, 3 इंस्टेंसेज ऑफ सी, 2 इंस्टेंसेज ऑफ डी। एंड P4 एलोकेट द रिसोर्सेज, 0 इंस्टेंसेज ऑफ ए, 0 इंस्टेंसेज ऑफ बी, 1 इंस्टेंस ऑफ सी, 4 इंस्टेंसेज ऑफ डी। क्लियर। तो ये तो बात हो गई हमारी एलोकेशन की। अब देखते हैं मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी, पी नोट को कितनी रिक्वायरमेंट है। पी नोट को रिक्वायरमेंट है ए रिसोर्स के 0 इंस्टेंस की, बी रिसोर्स के 0 इंस्टेंस की, सी के 1 की, डी के 2 इंस्टेंस की। पी वन को रिक्वायरमेंट है 1 ए, 7 बी, 7 इंस्टेंस बी के, 5 इंस्टेंसेस सी के और 0 इंस्टेंस डी के। पी टू को रिक्वायरमेंट है 2 इंस्टेंसेस ऑफ ए, 3 इंस्टेंसेस ऑफ बी, 5 इंस्टेंसेस ऑफ सी, 6 इंस्टेंसेस ऑफ डी। पी थ्री को रिक्वायरमेंट है 0 इंस्टेंस ऑफ ए, 6 इंस्टेंसेस ऑफ बी, 5 इंस्टेंसेस ऑफ सी एंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ डी। पी फोर को रिक्वायरमेंट है 0 इंस्टेंसेस ऑफ ए, 6 इंस्टेंसेस ऑफ बी, 5 इंस्टेंसेज ऑफ सी एंड 6 इंस्टेंसेज ऑफ डी। तो ये तो हमारा ये एलोकेशन हो गया, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम नीड हो गई। ठीक, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। अभी हमारे पास अवेलेबल कितने, अवेलेबल है हमारे पास 1 ए के, बी के कितने हमारे पास अवेलेबल है 5, सी के कितने अवेलेबल है हमारे पास 2 और डी के हमारे पास अवेलेबल है 0। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें कहा है उसने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बैंकर्स एल्गोरिदम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ मैट्रिक्स नीड, नीड मैट्रिक्स का कंटेंट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, नीड का जो फॉर्मूला होता है वो नीड होता है हमारा, नीड इक्वल टू, हम फाइंड आउट करते हैं, मैक्स माइनस एलोकेशन, मैक्स माइनस एलोकेशन। क्लियर है, मैक्स माइनस एलोकेशन। अब देखिए, नीड मैट्रिक्स कैसे आएगी, कितने प्रोसेसेस हमारे पास, 5 प्रोसेसेस हैं। तो पी नोट, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, 5 प्रोसेसेस हो गए। अब हमें नीड फाइंड आउट करनी है, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। नीड देखिए क्या आएगी, रिसोर्सेज हमारे पास ए बी सी एंड डी, 4 रिसोर्सेज हैं। क्लियर। अब देखिए, जो P1 रिसोर्स है हमारा, सॉरी P0 रिसोर्स है, उस पर नीड हमें फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है इसको पी नोट को 0012। अब इस तो क्या करेंगे हम, मैक्स माइनस एलोकेशन क्या आएगा, देखिए एक के कितने इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, 0 माइनस 0 0, बी के 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0,
टू माइनस टू जीरो, तो एक जो पी नोट है उसको ए के जीरो इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो गई, बी के जीरो इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो गई, सी के जीरो इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो गई, डी के जीरो इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो गई। क्लियर। अब देखिए पी वन की बात कर लेते हैं, पी वन को रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्स कितने चाहिए उसको, 1750 मीन्स ए के 1, बी के 7, सी के 5 और डी के 0। अब इसको देख लेते हैं तो क्या करेंगे, मैक्स माइनस एलोकेशन तो क्या होगा, 1 माइनस 1 क्लियर 0, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, तो वैल्यू क्या आई हमारी 0 7 5 0 0 7 5 0। क्लियर। अब देखें पी टू की बात कर लेते, पी टू में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 3 5 6, एलोकेट कितने करा दिए हमने, 1 3 5 4, तो इसको रिक्वायरमेंट कितनी आई, इसको अभी नीड कितनी होगी, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0 एंड 6 माइनस 4 2। क्लियर। अब देख लेते हैं P3 को मैक्सिमम नीड कितनी है हमारी, 0 6 5 2, एलोकेट कितने करा दिए, 0 6 3 2, तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, नीड कितनी होगी, 0 माइनस 0 0, फिर 6 माइनस 6 0, देन 5 माइनस 3 2, देन 2 माइनस 2 0। क्लियर है। देन उसके बाद देख लेते हैं पी फोर की बात कर लेते हैं, पी फोर को रिक्वायरमेंट कितनी है, देखिए अभी नीड कितनी है, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 4 2। क्लियर है। तो ये तो आ गई हमारी नीड मैट्रिक्स। नीड कैसे फाइंड आउट की हमने, जो भी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने, एलोकेशन, पता है नीड इक्वल टू क्या होता है, मैक्स माइनस एलोकेशन। क्लियर। तो ये आ गई हमारी नीड मैट्रिक्स। क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द सिस्टम इन सेफ स्टेट। अब चेक कैसे चेक करेंगे हमारे कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है, एल्गोरिदम हमने प्रीवियस एल्गोरिदम डिस्कस की थी, बैंकर्स एल्गोरिदम प्रीवियस वीडियो में, ठीक, उसमें चेक किया था हमने कैसे एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो रही है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि अवेलेबल जो है हमारे पास, अवेलेबल ग्रेटर देन है हमारा किससे, नीड से। अगर अवेलेबल हमारा ग्रेटर देन होगा नीड से तो हम क्या कराएंगे, जो भी प्रोसेस इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा उस प्रोसेस को हम रिसोर्स एलोकेट करा देंगे, अदरवाइज क्या कराएंगे, जो हमारे प्रोसेसेस होंगे उनको वेट कराएंगे। तो देख लेते हैं क्या पी नोट को हम एग्जीक्यूट करा पाएंगे, चेक कर लेते हैं। पी नोट को रिक्वायरमेंट कितनी है, पी नोट को रिक्वायरमेंट है 0 0 0 0, अवेलेबल कितने हमारे पास, अवेलेबल है 1 5 2 0, ये तो हमारे पास अवेलेबल आ गए, ठीक। नीड है हमारे पास 0 0 0 0, तो क्या हुआ, अवेलेबल ग्रेटर देन आ गया हमारा नीड से, तो क्या हुआ, कंडीशन फुलफिल हो गई। मींस क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पी नोट को हम एग्जीक्यूट करा लेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। पी नोट जब हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा अब क्या होगा, अब हमारी अवेलेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अवेलेबिलिटी चेंज क्यों हो गई, जो इसने पी नोट ने हमारे एलोकेट किए हुए हैं उनको क्या कर देगा, ये फ्री कर देगा इनको। तो फ्री करने के बाद क्या आएगी, न्यू अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, चेक कर लेते हैं, अवेलेबल अब हो जाएगा हमारे पास, अवेलेबल इक्वल टू प्रीवियस अवेलेबल कितने थे हमारे पास, 1520 1520, प्लस कर देंगे हम जो हमारे रिलीज हुए कौन से हुए, 0012 0012, क्या ही वैल्यू, ये वैल्यू आ गई हमारी 1532। क्लियर है। ये आ गया हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी, अभी हमारे पास ये है अवेलेबल, ए के 1 इंस्टेंस अवेलेबल है,
बी के 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल है, सी के 3 इंस्टेंसेस एंड डी के 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए पी वन को कितनी रिक्वायरमेंट है, ए के 0 की अवेलेबल हमारे पास 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी के कितने चाहिए हमें, बी के चाहिए 7, बट हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 5, तो ये पी वन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वेट करेगा पी वन, इसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हम। पी टू को चेक कर लेते हैं, पी टू में क्या होगा, देखिए पी टू को रिक्वायरमेंट है 1 रिसोर्स की, किसके, ए के है हमारे पास। बी को रिक्वायरमेंट है 0 की, हमारे पास 5 अवेलेबल है। सी को रिक्वायरमेंट है 0 की, हमारे पास 3 अवेलेबल है। डी को रिक्वायरमेंट है 2 की, हमारे पास 2 अवेलेबल है। तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, मीन्स पी वन तो वेट करेगा, पी टू हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, जब इसको हमने एग्जीक्यूट करा दिया पी टू को, तो इसने जो रिसोर्सेज हमारे एलोकेट किए हुए थे उनको क्या करेगा, ये पी टू फ्री कर देगा। जब फ्री करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अवेलेबिलिटी अब चेंज हो जाएगी, प्रीवियस अवेलेबिलिटी ये थी हमारे पास, ठीक। अब अवेलेबिलिटी देखिए क्या हो जाएगी, प्रीवियस थी हमारे पास 1532। रिलीज कितने करेगा ये पी टू, पी टू रिलीज करेगा हमारा 1354। क्लियर है। तो टोटल कितने जाएंगे अवेलेबल, ए के हमारे पास आ जाएंगे 1+1 2, बी के इंस्टेंसेस जाएंगे 5+3 8, डी के कितने हो जाएंगे 3+5 8, और सी के 3+5 8, और डी के हो जाएंगे 2+4 6। ये आ गए हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी आ गई हमारे पास। अब चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, देखिए पी थ्री को रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, पी थ्री को रिक्वायरमेंट है ए के 2 की, ए के 0, बी 0, 2 0, सी 0, ठीक। अब उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या, चलिए इसको पी थ्री को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, पी थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पी थ्री एग्जीक्यूट हो गया हमारा, उसके बाद क्या होगा, अब जब पी थ्री एग्जीक्यूट हो गया तो ये क्या कराएगा, ये फ्री कराएगा जो इसने एलोकेट किए हुए हैं, अब ये क्या कराएगा, ये इनको फ्री कर देगा। तो फ्री करने के बाद न्यू एलोकेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये फ्री कराएगा 0632। तो न्यू अवेलेबिलिटी हमारे पास आ गई 2, 8+6 14, 8+3 11, 6+2 8, ये आ गई हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी। क्लियर है। अब देख लेते हैं क्या पी फोर को एग्जीक्यूट करा पाएंगे हम, पी फोर को चाहिए कितने, 0 चाहिए, 2 अवेलेबल है, 6 चाहिए, 4 अवेलेबल है, ठीक। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा अभी, सॉरी ये हो जाएगा 14, 8+6 14, ठीक। अवेलेबल है हमारे पास 14, इसको चाहिए कितने 6, यहाँ पे अवेलेबल है 11, चाहिए कितने 4, यहाँ पे अवेलेबल है 8, चाहिए कितने 2, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। पी फोर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, पी फोर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये अपने रिसोर्सेज क्या करेगा, फ्री कर देगा, फ्री करेगा तो न्यू अवेलेबिलिटी चेंज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, अब जो ये रिलीज कराएगा 0014, क्लियर है। तो न्यू अवेलेबिलिटी क्या आ गई हमारी, 2+0 2, 14+0 14, 11+1 12, 8+4 12, क्लियर है। तो ये न्यू अवेलेबिलिटी आई हमारी। अब इसको चेक कर लेते हैं हम क्या हमारा, अब इसको चेक, ये पहले वेट कर रहा था, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। P1 के कितने चाहिए उसको, P1 को A के 0 चाहिए, 2 अवेलेबल है, और B के 14 अवेलेबल है, 0 चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी 7 चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और C के हमें चाहिए कितने 5, अवेलेबल कितने 12 हो जाएगा, D के कितने चाहिए हमें 0, अवेलेबल हमारे पास 12, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स टोटल हमारे पास आगे कितने, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा P1। तो ये आ गया हमारे पास सीक्वेंस, ठीक है, ये आ गया सेफ सीक्वेंस, मीन्स डेडलॉक नहीं होगा हमारा। यहाँ पे पूछा है ना, इज द सिस्टम इन सेफ स्टेट, यस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, सिस्टम क्या है हमारा सेफ स्टेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम पी वन अराइव्स 4 0 4 2 0, कैन द रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। ये रिक्वेस्ट आ रही है पी वन की साइड से, अब वो पूछ रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है क्या आप इसको इमीडिएटली ग्रांट कर पाएंगे, यानी कि पी को आप रिसोर्सेज एलोकेट कर पाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखिए
देखिए चेक कर लेते हैं, क्या आ रही है रिक्वेस्ट P1 की साइड से? P1 से रिक्वेस्ट आ रही है हमारी 0420, ये रिक्वेस्ट आ रही है कहां से? P1 से रिक्वेस्ट आ रही है ये हमारी। अब देखते हैं हम, हमारे पास अवेलेबल कितना है? अवेलेबल हमारे पास ये ए है रिसोर्स, ये बी रिसोर्स, ये सी, ये डी। ठीक, अभी अवेलेबल कितना हमारे पास? अवेलेबल है ए के 1 इंस्टेंस, बी के 5 इंस्टेंसेस, सी के 2 इंस्टेंसेस और डी के 0 इंस्टेंसेस। अब देख लेते हैं क्या चेक करेंगे, जो रिक्वेस्ट है क्या रिक्वेस्ट हमारी क्या है? अगर रिक्वेस्ट हमारी क्या है, लेस देन है किससे? अवेलेबल से, अवेलेबल। ठीक, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या कराएंगे, इमीडिएटली ग्रांट करा देंगे, अदरवाइज क्या कराएंगे, ग्रांट नहीं करा पाएंगे, इसको वेट कराना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए रिक्वेस्ट क्या आ रही है हमारी, रिक्वेस्ट आ रही है 0420। कंडीशन क्या है कि लेस देन होना चाहिए हमारा, लेस देन और इक्वल टू भी कह सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। अवेलेबल कितना हमारे पास? अवेलेबल है हमारे पास 1520, ये हमारे पास अवेलेबल है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए P1 को A के कितने, A B C D, A B C D, देखिए P1 जो प्रोसेस है, P1 प्रोसेस को A1 के कितने चाहिए, एक रिसोर्स है उसके कितने चाहिए, 0, अवेलेबल कितने हैं 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B के कितने चाहिए उसको, 4, अवेलेबल कितने हमारे पास 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देगा ये। C के कितने चाहिए 2, अवेलेबल कितने हैं 2, दे देगा। D के कितने चाहिए 0, अवेलेबल कितने हैं 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ, कंडीशन क्या हो रही है हमारी, फुलफिल हो रही है, फुलफिल हो रही है मींस जो इसको रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, अवेलेबल है। अवेलेबल है मींस क्या हुआ, ये क्या करा देगा, रिक्वेस्ट को ग्रांट करा देगा। रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी तो क्या होगा हमारे पास, इमीडिएटली ग्रांट हो जाएगी। हम क्या करेंगे अब, इसको ग्रांट कराने के बाद क्या होगा, जब हम इसको रिक्वेस्ट ग्रांट करा देंगे तो हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब लेस हो जाएगी। क्या अब अवेलेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, अब अवेलेबिलिटी बचेगी हमारे पास, अवेलेबिलिटी हमने एलोकेट, रिक्वेस्ट क्या आई थी हमारे पास, रिक्वेस्ट आई है 0420, तो ये रिक्वेस्ट आई है। अब अवेलेबल कितने आएंगे हमारे पास, 1 माइनस 0 0, क्लियर, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी, या न्यू अवेलेबल हो गया हमारे पास 0100। हमने जैसे ही आया ये P1 ने रिक्वेस्ट की हमारी, क्या रिक्वेस्ट की 0420 की, हमने ग्रांट करा दिया। ग्रांट कराने के बाद हमारे पास अवेलेबल कितना बचा, 0, ए के 0, बी के 1, सी के 0, डी के 0, ये इंस्टेंसेस बचे हैं हमारे। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा था हमारा, इफ द रिक्वेस्ट ऑफ P1 अराइव्स फॉर दिस, कैन द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड इमीडिएटली, यस रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड इमीडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था कंटेंट की मैट्रिक्स क्या होगी वो हमने डिस्कस कर ली। सेकंड क्वेश्चन था सेफ स्टेट में होगा या नहीं होगा, या सेफ स्टेट में होगा। थर्ड क्या होगा, इमीडिएटली ग्रांट हो पाएगी, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप उससे पूछ लीजिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा इसको कमेंट सेक्शन में, आप उससे पूछ लीजिएगा कोई भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।